नमस्कार, आप हिमाचल अभी देख रहे हैं और मैं आशीष भरमौरिया हूं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सहित देश की सड़कों पर इस वक्त 4 करोड़ के आसपास पुराने वाहन दौड़ रहे हैं। इनमें से 2 करोड़ वाहन तो 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं। इन वाहनों पर केंद्र सरकार की अब नज़र पड़ चुकी है, इसलिए इन सभी पर हरित कर यानी कि ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। देश भर की अगर बात करें तो कर्नाटक इसमें सबसे ऊपर आता है। कर्नाटक में 70 लाख के करीब पुराने वाहन जो कि 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं सड़कों पर दौड़ रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में ऐसे वाहनों को डिजिटल किया है। ऐसे में वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव राज्यों को पहले ही भेजा जा चुका है। उपलब्ध डाटा के मुताबिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों में उत्तर प्रदेश देश भर में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में पुराने वाहनों की संख्या 56.54 लाख है। इसके बाद दिल्ली में 49.93 लाख पुराने वाहन हैं, जो कि देश भर में तीसरे स्थान पर आते हैं। दिल्ली में 35.11 लाख वाहन 20 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। केरल में 34.64 लाख, तमिलनाडु में 33.43 लाख, पंजाब में 25.38 लाख और पश्चिम बंगाल में 22.69 लाख पुराने वाहन हैं। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र में पुराने वाहनों की संख्या 17.58 लाख से 12.29 लाख के बीच है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, बिहार, गोवा, त्रिपुरा, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में ऐसे पुराने वाहनों की संख्या 1 लाख से 5.44 लाख के बीच है। आंकड़ों के मुताबिक शेष बचे राज्यों में ऐसे वाहनों की संख्या 1 लाख से कम है। केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे पुराने वाहनों पर जल्द ही हरित कर यानी ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी में है। यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर बताएं। इसके अलावा आप हिमाचल अभी की न्यूज़ ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हिमाचल अभी के फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।